सो हेलो गाइस, सो अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आपको अपनी टाटा टियागो ईवी, देखो मेरा जो चैनल है वो ईवी को ही दिखाता है, ईवी हो गए आपके, सोलर हो गए, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको दिखेगा कि मेरी जो है गाड़ी 20,000 किलोमीटर चल गई है। तो सबको यही डाउट होते हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं पहाड़, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ और यही ग्रीन सिटी, यही हर जगह घास, क्या इन पहाड़ों पे हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, सबको यही डाउट होता है। तो इन्हीं पहाड़ों पे सबको डाउट होता है। ये जो आपको दिख रहे हैं पहाड़, वो देखिए वहाँ से रोड आ रहा है पूरा पहाड़ काट के। यहाँ पेट्रोल व्हीकल ही मोस्टली हिमाचल में पेट्रोल व्हीकल ही चलते हैं, सीएनजी भी नहीं चलते। तो सबको यही डाउट होता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। तो मेरा भी अपने एरिया का सबसे पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर है और पहला ही मेरा फोर व्हीलर है। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, ओला स्कूटर का आपने नाम सुना होगा, वो मैंने मनाली से भी आगे रोहतांग वैली तक 80 किलोमीटर आगे मैंने पहुंचाया था चंडीगढ़ से। तो इसी वीडियो में मैं मोस्टली मैं चंडीगढ़ में रहता हूं, लेकिन मैं हिमाचल में आता रहता हूं। मेरा हर वीकेंड या वीकेंड में दूसरे वीकेंड में मेरा चक्कर लगता रहता है। तो मेरी रनिंग बहुत ज़्यादा थी तभी मैंने ईवी लिया है। तो क्या ईवी, इस वीडियो में आपको यही दिखाने वाला हूँ कि 20,000 चलाने में, मैंने टोटल गाड़ी जो है 20,000 किलोमीटर हो गया, तो 20,000 चलाने में मेरे को क्या दिक्कत आई, क्या परेशानी आई। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए 20,954 टोटल किलोमीटर, ठीक है जी। गाड़ी देख लीजिए अंदर से बिल्कुल नई की नई, इवन पीछे से भी देख लीजिए नई की नई, बिल्कुल अभी गाड़ी ऐसी की तैसी है। और सलूट करता हूँ, टाटा ने ऐसी गाड़ी बनाई है बहुत ही ज़बरदस्त, वो भी मैं आपको बताऊँगा। गाड़ी का आप सिनेरियो देख लीजिए, 20,000 चलाने के बाद गाड़ी में रत्ती भर भी दिक्कत नहीं आई। रही बात, आपको पता ही इलेक्ट्रिक जो है गाड़ियाँ होती, इनमें मोस्टली जो खर्चा आता है वो टायरों का आता है, बाकी खर्चा बिल्कुल ना के बराबर होता है। बैटरी आपको पता ही 8 साल या 1.5 लाख जो भी पहले आएगा, जब तक अगर आपकी गाड़ी चलती है तो आपकी गाड़ी ऑलमोस्ट फ्री है, यानी कि आपकी पूरा पैसा कवर कर देगी। तो टायरों की बात करूं मैं, टायर आप देख लीजिए तकरीबन ये 20% घिसे होंगे, 20% मेरे हिसाब से तकरीबन, मैं मान के चल रहा हूं क्योंकि पहाड़ों पे ज़्यादा मेरी रनिंग रहती है, तो ये 60,000 या 70,000 किलोमीटर निकाल देंगे, ठीक है। 20% या 30% घिसे हैं, तो मैं यही मान के चल रहा हूँ 60 या 70%। और अभी तक जो मेरे को इस गाड़ी में थोड़ी सी, मतलब जिसको बोल सकते हैं कि एक्सीडेंट भी हुआ, लेकिन वो जो हुआ वो मेरी वजह से नहीं हुआ, एक एक्टिवा वाला डायरेक्ट मेरी गाड़ी को हिट कर गया। तो ये देख लीजिए, और वो बंदा इतने ज़ोर से हिट करा कि वो खूब फ्रैक्चर हो गया, टीनेज था विदाउट लाइसेंस। मैं यही मानता हूँ अगर मारुति की गाड़ी होती तो ये पूरी मेरी ताकी की ताकी निकल चुकी होती, ठीक है। अब रही 20,000 किलोमीटर में खर्चा मेरा कितना आया, मेरी 3 सर्विस हुई तो 3 सर्विस का खर्चा अप्रॉक्सीमेटली मेरा 4,500 या 5,000 के करीब आया है अब तक खर्चा। और रही बात बिजली की, तो मेरे घर में लगा हुआ है सोलर, और सोलर में आपको पता ही है मेरी बिजली ऑलमोस्ट फ्री है। हिमाचल में 3 रुपये यूनिट है तो 24 यूनिट लेती है, यानी कि 72 रुपये में मेरी गाड़ी फुल चार्ज होती है। और चंडीगढ़ जाने के लिए मेरा जो है मात्र 50 या 60% बैटरी लगती है, डिपेंड करता है अगर मैं एसी यूज़ करता हूँ तो 60%, नहीं करता हूँ यूज़ तो 50%, और आने में 75% यूज़ होती है, जिसमें कि मोस्टली मेरा 150 किलोमीटर का कवर होता है वन साइड का, ठीक है। तो ये गाड़ी होने के लिए बेनिफिट है, अगर आपकी रनिंग 200 किलोमीटर से नीचे है, और आपको पता है कि 200 किलोमीटर के बीच में कोई चार्जर नहीं है, अगर चार्जर है तब भी आपके पास 2 या 3 चार्जर होने चाहिए जो कि आपके बैकअप होने चाहिए। मान लो एक अगर आपका वर्क नहीं करता, दूसरा नहीं चलता, कई बार क्या होता है आप चले हो लाइट नहीं है, कोई गाड़ी और चार्ज हो रही है, तो इस तरह आप गाड़ी लेना कि आपका जो है बीच में चार्जर हो या आपकी रेंज 200 किलोमीटर से कम हो। बाकी रही बात पहाड़ों पे इतनी ज़बरदस्त इसकी परफॉर्मेंस है, 20,000 में लमसम मैंने 15-16,000 पहाड़ों पे ही चली है मेरी गाड़ी, इतना ज़बरदस्त इसका पिकअप है, इतनी ज़बरदस्त इसकी परफॉर्मेंस है, कोई हीटिंग इशू नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत ही स्मूथ चलती है। और क्या इसकी पावर है पहाड़ों पे, सिर्फ ड्राई मोड पे ही, ठीक है जी। तो यही है, जो लोग बोलते हैं कि भाई पहाड़ों पे ये गाड़ी नहीं चल पाएगी, वो उन्हीं के लिए स्पेशल वीडियो मैं बना रहा हूँ। यहाँ तो आपको पता ही है कि
सीएनजी गाड़ियां भी कामयाब नहीं है, लेकिन ईवी मैंने शिमला में पहुंचाई। अगर आप देखोगे तो शिमला की वीडियो मैंने पूरी दिखाई है, जिसमें दिन मतलब एक सिंगल डे का ही मेरा 300 किलोमीटर का रन था। शिमला कसौली सॉरी कुफरी साधुपुल सोलन होके मैं पूरा कवर कर रहा था मैंने राउंड, तो 300 किलोमीटर था। बाकी पूरी गाड़ी मेरी कहीं भी लैग नहीं करा, फुल लोडेड थी। हिमाचल में आता हूँ, जब भी आता हूँ फुल लोडेड, कई बार खाली आता हूँ, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। खर्चा देख लीजिए अभी तक बिजली का मेरा ना के बराबर, अगर मैं मान लो किसी की पेड यूनिट्स भी है तो भी ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। अभी तक मेरा जो है इसने 1 लाख रुपये का तेल बचा दिया है, 1 लाख से ऊपर। तो गाड़ी देख लो, गाड़ी की कॉस्ट आप देख लीजिए 10-10.5 के करीब पड़ती है, उसमें सब्सिडी भी आपकी लेस होती है, तो गाड़ी आपका पैसा रिटर्न लेके आती है। लुक बहुत ही प्यारी है गाड़ी, मतलब इसकी परफॉर्मेंस स्मूथनेस जो चलती है पहाड़ों पे, वो मैं आपको दिखाता हूँ अगली वीडियो में। बहुत ही प्यारी चलती है, बहुत ही स्मूथ, कोई पता नहीं लगता, ठीक है। और टाटा जो है फोर व्हीलर में टाटा ही नंबर वन है, टाटा की गाड़ियाँ बहुत ही प्यारी हैं, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। और यही अगर ये मारुति की गाड़ी होती तो मैं ये मान के चलता ये रियल जो है 300-350 भी रेंज दे देती, क्योंकि बहुत हल्का लो है। लेकिन हमारी जो मेरी गाड़ी रियल एक्चुअल में रेंज देती है विदाउट एसी 250, और विद एसी जो देती है ये 200 के करीब देती है फुल लोडेड में, जो कि मैं नॉर्मल पेट्रोल गाड़ियाँ चलाता हूँ वैसे। तो यही है, यही वीडियो है। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए जो बोलते हैं कि पहाड़ों पर कैसी चलेगी। ये देख लीजिए चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, यही पहाड़ हैं जो बुलाते हैं बार बार, और इन्हीं पहाड़ों को देख के मन मेरा करता है आने का बार बार, इसलिए मैंने ले लिया ईवी। और वैसे मैं हूँ भी हिमाचल का, सिर्फ चंडीगढ़ हूँ वर्किंग, तो भैया आना तो इधर ही पड़ेगा। और इन पहाड़ों में भाई सब लोग तरसते हैं इन पहाड़ों को देखने के लिए, ठीक है जी। तो इन्हीं पहाड़ों पे इन्हीं नज़ारों में ईवी का ये पूरा रिव्यू था जो कि मैंने आपके साथ शेयर करा, ठीक है जी। सर्विस बिल्कुल ना के बराबर है, खर्चा बिल्कुल ना के बराबर है, लेना वही जिसकी रनिंग अच्छी खासी है, ठीक है। जिसको चुकते हैं पेट्रोल के पैसे 6,000-5,000 महीने का खर्च करता है, ठीक है, उनके लिए बहुत सही है। और लेना वही जिसके लिए कवर्ड पार्किंग हो, या आपका ऐसी जगह हो जहाँ पे आप 9 घंटे गाड़ी खड़ी कर सको। रही बात आपकी चार्जिंग की, मोस्टली चार्ज करना घर में, तभी बैटरी की आपकी लाइफ सही रहेगी। और हिमाचल में चार्जिंग की कोई दिक्कत नहीं है, अर्थिंग किट आपको कंपनी वाले ही दे देते हैं, उसके थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, 3,000 या 4,000 अर्थिंग किट आप इस घर में मान लो, क्योंकि हिमाचल में मोस्टली क्या होता है आउटर एरिया होते हैं, इनमें अर्थिंग नहीं होती, तो कुछ नहीं होता। वो अर्थिंग का भी मैं आपको वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, वो नॉर्मल सा है, एक आपको रॉड सी पानी में गाड़नी है, वो वीडियो आपको नॉर्मल जाएगी। बाकी चार्ज करिए बिल्कुल ज़ीरो खर्चे में, रात भर आपके घर में ही पेट्रोल पम्प है, ठीक है, कहीं इधर उधर जाने की लोड ही नहीं है आपको, घर में ही आप चार्ज करिए। तो ये वीडियो बनी रही इसी तरह मेरे चैनल पर, ठीक है जी। कवर्ड पार्किंग जहाँ आप 9-9.5 घंटे गाड़ी खड़ी कर सको, तभी बेनिफिट है। तो स्टे ट्यून, बने रहिए इसी तरह मेरे चैनल पे, और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा। यही है प्रगति, यही है हमारा हिमाचल, और यही प्यारा हमारा इंडिया है। तो इसी हिमाचल के रोडों पे चल रही है हमारी ईवी, दिखाते हैं इसकी आपको परफॉर्मेंस। स्टे ट्यून, बने रहिए, वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, बने रहिए इस तरह मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। ये अपहिल क्लाइम करते हुए, और बिल्कुल मैंने देखो पंजा बिल्कुल हल्का हल्का दिया है, और 6-7 की स्पीड देखो, और अगर आप बोलो पावर तो देखो पावर भाई सब इतनी है कि ये तो रोड उखाड़ दे ऐसी गाड़ी है। क्योंकि मैंने बहुत एक्सपीरियंस लिया है, क्योंकि हिमाचल में जो लिंक रोड होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा अपहिल क्लाइम करते हैं। ये देखो जंगलों में हमारी ईवी चलती हुई, ठीक है जी, कोई भी लैग नहीं है, बल्कि ड्राई मोड पर ही, ये देख लीजिए ड्राई मोड पर, और इसको चलाना बहुत इजी है। आपकी जो है ऑटोमेटिक गाड़ी आपको पता है कितनी इजी रहती है, उससे भी बहुत इजी है, स्मूथ एंड कंफर्ट। और इन्हीं कंफर्ट मतलब इन्हीं रोडों पे बिल्कुल स्मूथ और विदाउट एनी स्ट्रगल ये गाड़ी चल रही है हमारी। तो देख लीजिए ये रोड बहुत ही प्यारे हैं जंगलों के बीच में। तो कभी आप भी आओ हिमाचल घूमने, तो कोई ये मत सोचना कि पहाड़ों पर नहीं चल पाएगी, पहाड़ों पे बहुत ही बढ़िया चलती है गाड़ी। अपहिल क्लाइम करेगी तो बैटरी तकरीबन 1 किलोमीटर के लिए 1% खा लेगी आपकी, लेकिन जब उतरेगी तो आपका जो है चार्ज कर लेगी गाड़ी आराम से, मतलब 1% मतलब 1 किलोमीटर में आपकी 1% फिर भी चार्ज लमसम कर देगी। तो वही सेम रेंज जो
प्लेन में मिलती है वही मिलेगी। स्टे ट्यून्ड।